सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में विवाह के बाद में ससुराल के लिए विदा हुई दुल्हन ने रास्ते में कार से उतरकर पाली ब्रिज से चंबल नदी में छलांग लगा दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखकर दुल्हन के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस प्रशासन को इस हादसे की सूचना दी गई, जिसके बाद गोताखोरों और सिविल डिफेंस के बचाव दल ने दुल्हन की तलाशी शुरू की, लेकिन अभी तक दुल्हन का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि खंडार के अल्लाहपुर गांव के रामप्रसाद सैनी की पुत्री अंजू का विवाह एमपी के दातरदा गांव के जगदीश सैनी के बेटे दीपक के साथ शनिवार को हुआ। इसके बाद रविवार सुबह दुल्हन को ससुराल के लिए विदा किया गया। जैसे ही दुल्हा दुल्हन की कार चंबल नदी के पाली ब्रिज पर पहुंची तो दुल्हन ने घबराहट होने और उल्टी आने का बहाना बनाया और चालक ने जैसे ही कार खोली तो दुल्हन ने कार से उतरकर चंबल नदी में छलांग लगा दी। सवाईमाधोपुर से आपको खबर बता रहे हैं, एक दुल्हन ने अपने ससुराल जाते वक्त शादी से विदा होते हुए चंबल नदी में जाकर छलांग लगा दी। खंडार क्षेत्र में शनिवार को ही ये शादी हुई थी और एमपी में अपने ससुराल की तरफ जाते वक्त जब रास्ते में गाड़ी चंबल नदी के पास पहुंची तो उसने जी मिचलाने का कुछ बहाना बनाया और उसके बाद जैसे ही ड्राइवर ने कार का गेट खोला उसने जाकर के तुरंत चंबल नदी में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद में ससुराल पक्ष के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंची। गोताखोरों के दल के द्वारा अब उसे ढूंढने के प्रयास यहां तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तक उसकी तलाश की नहीं हो पाई है। शनिवार को ही खंडार क्षेत्र में ये शादी हुई थी। और रास्ते में ही दुल्हन ने अपने ससुराल जाते वक्त कार से उतरकर पाली ब्रिज से छलांग लगा दी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, यहां पे गोताखोरों के दल के द्वारा उसकी तलाश अभी जारी है। हालांकि अभी तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है, उसे ढूंढा नहीं गया है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसके द्वारा उसकी तलाश जारी है। आपको एक बार फिर से बता दें और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लोकेश टटवाल फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, बेहद ही चौंकाने वाली ये पूरी घटना रही। शनिवार को ही बताया जा रहा है कि इस नवविवाहित जोड़े की शादी हुई थी और रास्ते में ससुराल की तरफ जाते हुए उसने चंबल नदी में छलांग लगा दी। क्या ये पूरा वाक्य रहा? लोकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी ज्योति, मैं इस मामले में बताना चाहूंगा कि जैसा कि नव विवाहिता की कल शादी हुई थी और मॉर्निंग में करीब 5:30 बजे और इसकी विदाई हुई। विदाई के समय जब ये जैसे ही खंडार क्षेत्र से अपने गांव से गुजर रही थी तो ये दुल्हन अचानक अपनी तबीयत बिगड़ने का नाम लेती है और गाड़ी को जो पालेर ब्रिज है उसके ऊपर रुकवा के और जो चंबल नदी है उसके अंदर छलांग मार जाती है। जी ज्योति। लोकेश, एक और चीज साथ जाना चाहूंगी, वहां पर ससुराल पक्ष के लोग मौजूद थे उस वक्त गाड़ी में, तो उनको तो अचानक से एक तरीके से धक्का लगा होगा। अभी जो बातें सामने आ रही है, एक तो उस दुल्हन की अभी तक तलाश नहीं हो पाई है, इसके अलावा क्या कारण बताया जा रहे हैं मोटे तौर पर इस घटना के पीछे? जी, जब से इस ये जो दुल्हन ने छलांग लगाई है उसके बाद से पुलिस और वन विभाग की और जो चंबल घड़ियाल योजना की एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार इस दुल्हन के शव को बॉडी को तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई और लगातार इसकी तलाश जारी है। शादी का कल जैसा कि शादी का माहौल घर में हर्षोल्लास था और आज अचानक सुबह जब जो विवाहिता ने छलांग लगाई उसके बाद से ही माहौल जो दुख भरा माहौल है वहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र और खंडार में फैला हुआ है। तो पूरा मातम सा क्षेत्र खंडार क्षेत्र में छाया हुआ है जी। और परिजनों के हालात इसमें जाने तो परिजन कुछ भी कहने को तैयार नहीं कि जी, क्या जी, कारण जी। रहे होंगे दुल्हन के छलांग लगाने के। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया लोकेश।